हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप, जैसे आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो, हाउ टू क्लोज मोर एसईओ क्लाइंट्स, एसईओ के ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करें। गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एसईओ के प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए बहुत सारे टैक्टिक्स चाहिए, बहुत सारे आदमखोर क्वेश्चंस आपके प्रोस्पेक्ट्स आपके क्लाइंट्स आपसे पूछेंगे, ऐसे सारे क्वेश्चंस यू नो आप सुनते ही डगमगा जाओगे यार, आप सोचोगे आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, सर इसका जवाब क्या दूं, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डील और कोई भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट क्लोजर एक स्ट्रांग नेगोशिएशन के बेस पे होता है, राइट। आप इन द वेरी फर्स्ट कॉल या तो इन द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट क्लोजर मीटिंग में, फाइनल मीटिंग है, फॉलो अप के बाद आप क्लाइंट आपके साथ डिस्कशन करना चाहता है, आप किस टैक्टिक्स से, किस पोस्चर, किस कॉन्फिडेंस और किस एटीट्यूड के साथ उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो और कन्फ्रंट कर रहे हो, ये डिपेंड करता है आपका उनके साथ रिलेशनशिप कितना लंबा और कितना उम्दा होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस आपके क्लाइंट्स आपको पूछ लेते हैं ड्यूरिंग द नेगोशिएशन मीटिंग और आप हड़बड़ा जाते हो। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन, कैन यू गारंटी मी नंबर वन पोजिशन। गाइज अगर आप एक एसईओ प्रोफेशनल हो, आपको पता होगा कि यार एसईओ कितना वोलेटाइल होता है, आई मीन टू से कि यू नो कितने सारे गूगल के चेंजेस होते हैं, गूगल के एल्गोरिदम्स आर लाइक सीक्रेट, राइट, कोई पब्लिक फोरम पे तो पब्लिश्ड है नहीं, ठीक है, कि यू नो गूगल में हमारा कोई जमाई तो है नहीं, ठीक है, गूगल हम गूगल के जमाई तो है नहीं, क्योंकि हम हमारे हिसाब से गूगल चलेगा। सो इसे हम टैकल कैसे करें, क्योंकि आगे वाला जो बंदा आपको हायर करेगा यार वो तो कुछ ना कुछ तो क्वांटिटेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेगा ही, लेकिन इस सारे क्वेश्चंस का हम जवाब कैसे देंगे, लेट अस अंडरस्टैंड। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको बहुत कूलली एंड कामली विथ ए स्माइल ऑन योर फेस आपको जवाब देना है। नोबडी कैन गारंटी यू नंबर वन पोजिशन, इफ दे डू दे आर लाइंग, गूगल्स एल्गोरिदम्स आर सीक्रेट एंड दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सर, ऑल्सो दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन योर वेबसाइट्स करेंट लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टफ द कॉम्पिटिशन इज एंड द अवेलेबल बजट। सर जी आई कैनॉट गारंटी द नंबर वन पोजिशन, बट आई कैन गारंटी दैट योर वेबसाइट विल बी रैंकिंग ऑन सम ऑफ द वेरी यूजफुल कीवर्ड्स ऑफ योर बिजनेस इन पेज वन इन कमिंग फ्यू मंथ्स। आपको स्ट्रेट अवे बोलना है कि सर जी कोई भी नंबर वन पोजिशन गारंटी नहीं कर सकता, अगर कोई कर रहा है वो आपको झूठ बोल रहा है, ये रियलिस्टिक नहीं है, गूगल के एल्गोरिदम्स चेंज होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, और आपका कौन सा कीवर्ड कितने टाइम पे गूगल के फर्स्ट पेज पे आएगा, टॉप पे रैंक करेगा, डिपेंड करता है कि आपका करंट वेबसाइट का लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कितने लेवल का आपका कंपटीशन, क्या किस लेवल से वो अपने कॉम्पीट कर रहे हैं, प्लस आपका बजट। मैं गारंटी तो नहीं कर सकता कि नंबर वन पोजिशन, लेकिन ये गारंटी कर सकता हूं कि आपके बिजनेस के कुछ यूजफुल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को पेज वन पे ले आऊंगा, इट्स सो इजी टू हैंडल अपफ्रंट, ठीक है ना। हो ये सारे चीजें होने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस दैट यू नो योर कस्टमर्स विल आस्क अगेन इज यू नो जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट, मेरे को बहुत सारे मेल्स आते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू गेट ऑन द टॉप, गूगल के टॉप पे आने के लिए कितना लगेगा बताओ। लोग कहते हैं कि यार आप बजट ले लो, फंड ले लो, लेकिन मुझे पहले टॉप का पोजिशन ही चाहिए, तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, यू हैव टू से सर जी दिस रियली डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर राइट नाउ एंड वेयर यू वॉन्ट टू बी, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई हाउ टफ योर कॉम्पिटिटर्स एंड द इंडस्ट्री यू आर इन, लास्टली देर आर अदर फैक्टर्स दैट वी कैन टेक इन टू अकाउंट, हाउ वेल इज योर वेबसाइट करेंटली ऑप्टिमाइज्ड, डू यू हैव एनी करेंट राइटर्स, आपके पास कोई करेंट प्रोग्रामर्स है कि नहीं, ग्राफिक डिजाइनर्स है कि नहीं, इफ यस यू माइट बी एबल टू कट कॉस्ट, हम लोग कॉस्ट को कट कर सकते हैं, इफ नॉट द एक्सपेंसेस विल गो हाई, इफ यू वॉन्ट टू हैव क्विक रिजल्ट्स एंड वॉन्ट टू सी योर पेज ऑन द टॉप, आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग गूगल सर्च एड्स साइड बाई साइड ऑफ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंप्लीमेंटेशन। सिंपल सिंपल उनको यही कहना है दोस्त कि यू नो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप अभी कौन से पोजिशन पे और कहां पे पहुंचना चाहते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये सारे रैंकिंग कितना टाइम लगेगा डिपेंड होता है, राइट, प्लस आपका वेबसाइट अभी करेंटली किस ऑप्टिमाइज स्टेज पे है, क्या आपके पास प्रोग्रामर है, राइटर्स है या नहीं,
क्या ग्राफिक डिजाइनर है, अगर नहीं है तो ये सारे एडिशनल कॉस्ट आपको बियर करने पड़ेंगे, राइट, जो कि हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो यू नो आपको एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम प्लान करके देंगे। लेकिन अगर आप बहुत क्विक रिजल्ट चाहते हो, देन आई वुड रिकमेंड कि आप यू नो गूगल सर्च एड भी इंप्लीमेंट कर सकते हो साइड बाई साइड ऑफ SEO। तो गाइज देख सकते हो कितना अपफ्रंट, प्रोफेशनल और यू नो कट टू कट ये रिप्लाई था, राइट। हड़बड़ाना नहीं है दोस्त, क्योंकि गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है ना इन द बिगिनिंग, तो बाद में अगर रिजल्ट नहीं आता है ना भाई, क्लाइंट आपको नाइटमेयर दे देगा। दे विल गिव यू सिंपली नाइटमेयर। अगर आप बोल दिए सर 2 महीने में पेज वन पे ले आऊंगा, पेज वन के रैंक नंबर वन, अगर नहीं ला पाए ना तुम्हें वो पे नहीं करेगा, दे आर नॉट गोइंग टू पे यू। रिमेंबर, अगर वो आपको पे नहीं करेगा तो आप अपने बिल्स को कैसे पे करोगे, राइट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, या दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन पीपल, आई हैव प्रीवियसली हायर्ड एन SEO एक्सपर्ट विथ नो रिजल्ट। यार बहुत सारे एजेंसीज को हायर कर लिया यार, सब कोई पैसा लूट के ले लेते हैं, कोई कुछ काम नहीं किया, तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे? कभी भी अपफ्रंट मत बोलो यार कि आपका पुराना एजेंसी तो बहुत खराब काम करके गया है, बहुत खराब काम करके गया है, ठीक है, आप पूरा कबाड़ा कर दिया है सर, हम लोग सब ठीक कर देंगे। कर्मा गाइस, कर्मा विल रिटर्न बैक टू यू। बहुत डिफिकल्ट होता है ये एस्टिमेट करना, अंडरस्टैंड करना कि गलती किसकी है। हो सकता है कि यू नो पुराने जो भी एजेंसी थे उन्होंने सही काम किया, बहुत अच्छा से एक्सपेक्ट रिजल्ट्स भी दिए होंगे, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट करने में कहीं से भूल चूक कर दिया। हो सकता है कि यार आज उनके बारे में आप क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है, कल हो सकता है कि उनके जगह में आप हो। तो ये कभी भी बिच मत करो गाइस देयर, हां, नेवर बिच। मेक श्योर कि ये चीज को आपको एक कंप्लीट डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करना है, राइट। क्योंकि हो सकता है कि कल को कर्मा रिटर्न आए और आपको वो बैड रिव्यूज और बैड रेटिंग्स दे रहा है, तो इसे हैंडल कैसे करोगे? जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो यू नो कि यू हैव टू ऑलवेज से आई एम सॉरी दैट यू हैव हैड बैड एक्सपीरियंसेस बिफोर। हाउएवर इट्स ऑल्सो ए गुड थिंग बिकॉज वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट टू अवॉइड फ्यूचर मिस्टेक्स। I would suggest that we start with an analysis of your website to see where the issues are. It's much smaller, one-time fee, and you can decide afterwards if you want to engage in a monthly contract. बहुत ही simple तरीके से उन्हें समझाना है कि sir, I am glad, हम लोग खुश है, we are glad कि you know आगे पिछले vendor ने कुछ ना कुछ काम तो किया है, right? कहीं ना कहीं हमें you know एक एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सिचुएशन को देखना पड़ेगा। लेकिन कोई भी कंक्लूजन से पहुंचने से पहले ये देखना पड़ेगा कि करेंटली आपके वेबसाइट करेंट किस स्टेज में है। सो वी हैव टू डू ए मैनुअल ऑडिट ऑफ योर वेबसाइट, राइट, जो कि करेंट स्मॉल फीस होगा हमारे एंड से, ठीक है। ये फीस हम चार्ज करेंगे टू अंडरस्टैंड एंड ऑडिट योर वेबसाइट और आपको एक रिपोर्ट देने के लिए करेंटली क्या क्या लूप होल्स है। जैसे आप कह रहे हो कि कुछ हुआ नहीं है, हम लोग इससे ये पता लगाएंगे कहीं कोई मेजर डैमेज तो नहीं हुआ है, राइट, मेजर डैमेज तो नहीं है, राइट, एंड वी चार्ज ए स्मॉल फीस फॉर इट, ठीक है। आफ्टर यू आर सेटिस्फाइड विद आर रिजल्ट्स, सेटिस्फाइड विद ऑडिट रिजल्ट्स, ठीक है, एंड यू अंडरस्टैंड वी कैन डू अ बेटर जॉब, देन वी कैन गो अहेड विद अ मंथली कॉन्ट्रैक्ट। ये आदमखोर क्वेश्चन है गाइस, हर एक मोस्ट ऑफ द यू नो क्लाइंट्स विल से दिस, पहले वाले को दिया वो डुबा दिया, आप कहोगे यार मैं तो सुपर हीरो हूं, ठीक है, वो तो बेकार था, ऐसा नहीं बोलना है गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट विल से वी आर ऑलरेडी रनिंग गूगल एड्स, क्या SEO करना इंपॉर्टेंट है क्या? उन्हें कैसे आंसर करोगे? तो लेट अस अंडरस्टैंड, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको उन्हें कहना है कि सर गूगल एड्स इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म, इट्स डेफिनेटली यूजफुल इन द बिगिनिंग, हाउएवर यू विल ऑलवेज हैव टू पे फॉर इट। ऑल्सो मेनी पीपल दिस डेज आर यूजिंग एड ब्लॉकर्स, यू माइट इवन हैव वन ऑन योर PC राइट नाउ। द ट्रूथ इज पीपल क्लिक मोर ऑन ऑर्गेनिक एड्स, एड्स ऑन गूगल ओनली गेट्स 2-3% क्लिक थ्रू रेट, राइट, और ये दिन ब दिन इट हैज बीन डिक्रीजिंग डे बाई डे, वाइल द रेस्ट गोज टू द ऑर्गेनिक सर्चेस। That's why the average cost per ad will only be going up. Keep in mind that SEO will take little time. So the sooner you start, the better it will be a decision for you. तो उनको politely बोलना है सर Google Ad बहुत अच्छा platform है, लेकिन Google Ad आज के date पर अगर statistics देखा जाएगा तो Google Ad दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, और visitors Google के visitors बहुत smart है, वह आजकल ads पे कम क्लिक करते हैं और organic पे ज़्यादा क्लिक करते हैं, और बहुत सारे customers के system पे PC पे corporate laptops पे you know ad blockers लगा हुआ होता है।
तो SEO might take little bit of time, लेकिन जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे सर उतना जल्दी हमें रिजल्ट मिलेगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यू नो वन ऑफ माई फेवरेट्स है, कैन यू शो मी सम ऑफ योर प्रीवियस रिजल्ट्स. लोग पूछते हैं सर तो हम तो फ्रेशर हैं सर, कैसा रिजल्ट दिखा सकते हैं, राइट? तो इसे कैसे आप हैंडल करेंगे? देखो इसको एक्चुअली कोई अपफ्रंट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, ठीक है, बट आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हो ना तो यू स्टार्ट योर ओन ब्लॉग, स्टार्ट योर ओन यूट्यूब चैनल, अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करो, अपने ब्लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आओ, अपने कुछ ऐसे हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स को गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आओ, अपने यूट्यूब के वीडियोस को ऑप्टिमाइज करके रैंक कराओ, एंड दैट बिकम्स योर प्रीवियस वर्क. अगर आपके पास ऑलरेडी वर्क है देन इट इज वेल एंड गुड. अगर आप फ्रेशर हो गाइज, सबसे पहले आपका पहला पोर्टफोलियो आपका खुद का पोर्टफोलियो होगा दोस्त. सो गाइज, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो कि यू नो बहुत ही आदमखर क्वेश्चन से लोग लड़खड़ा जाते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं ऐसा क्वेश्चन का आंसर क्या दे सर, थोड़ा गाइड करो. तो ये वीडियो कंप्लीटली गाइड वीडियो गाइज, एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट. जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है कि हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जो कि है एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप, जो कि कंप्लीटली एक लाइव क्लास मॉडल पर सर्व किया जाता है. लाइव क्लास क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग, जो भी डाउट होगा आप हमारे से डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो, प्लस इंटर्नशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. आपको एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पे आपको ट्रेन किया जाएगा, जहां पे आप अगर एसईओ सीख रहे हो तो आपको रियल टाइम एक एसईओ क्लाइंट प्रोजेक्ट पे वर्क करना है. एडवर्टाइजमेंट सीख रहे हो तो रियल टाइम एडवर्टाइजमेंट बजट दिया जाएगा, जहां पर आप एड्स हमारे मेंटोरशिप के अंडर में चला के सीखोगे, एंड इट्स अ लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम. अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया है, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से आप ग्रो कराना चाहते हो, देन मोस्ट वेलकम. ये 4-5 महीने का जो विगोरस कमांडो लेवल ट्रेनिंग होने वाला है वाइल विथ लाइव क्लासेस, 4 महीने के बाद भी यू गेट लाइफ टाइम लाइव क्लासेस टू सॉल्व योर चैलेंजेस, सॉल्व योर प्रॉब्लम, और अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हो, देन यू नो द एडमी इकोसिस्टम इज एब्सोल्युटली ओपन फॉर इट. There is no competition to this learning curriculum, guys. जिस तरह से सर्व किया जाता है, personalized level पे ट्रेनिंग दिया जाता है, success is a guarantee. अगर आप एक serious professional हो या एक serious job seeker हो या एक serious startup founder हो या business owner हो और अपने business को और अपने career को grow कराना चाहते हो, then this is the right spot. Click on the link below and check out the curriculum and fix a counseling directly with us. So this is Alok Bhartia signing out for now. Have a nice day. Bye-bye. Thanks a lot.